सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में 56 जगहों पर कोविड जांच किया जा रहा है। जिला अस्पताल तथा विकास खंड चरगावा पर 24 घंटे जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि कोविड जांच सीएससी, पीएससी तथा बीआरडी मेडिकल कॉलेज, रेलवे हॉस्पिटल, एम्स तथा प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि 8000 लोगों का प्रतिदिन जनपद में कोविड जांच किया जा रहा है। सीएमओ ने बताया कि जो लोग जांच में संक्रमित पाए जाते हैं वह लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर कंट्रोल रूम के नंबर पर संपर्क करके डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, जनपद में कोविड जांच हमारे कम से 56 जगहों पर चल रही है। दो जगहों पर हमारी 24/7 रात दिन चलती रहती है। उसमें से एक हमारा जिला अस्पताल के पास में हुई है जो फॉरेंसिक लैब के बगल में है, दूसरा हमारा चरगावा जहां पर 24 घंटे जांच होती रहती है। इसके अलावा हमारी सभी सीएससी, पीएससी, हमारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज, रेलवे हॉस्पिटल, एम्स इवन प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल्स में सब जगह टोटल 56 जगहों से ज़्यादा लोग जगहों पर जांच चल रही है। सर प्रतिदिन कितने लोगों की जांच? प्रतिदिन हम इधर 7,500 से 8,000 लोगों की जांच कर रहे हैं। जो संक्रमित हैं उसमें से ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो लोग होम आइसोलेशन में रहें, समय समय पर वो हमारे ट्रिपल आईसी में अपनी रिपोर्ट देते रहें और अपनी स्थिति का की जानकारी देते रहें। उसके साथ साथ हमारी आरआरटी टीम जो घर घर विजिट करती है, जो दवाई पहुंचाती है, उन दवाओं का सेवन करें, अपने स्वयं सेवन करें और अपने घर के सभी सदस्यों को भी दवाई देना शुरू कर दें। सभी घर के सभी सदस्यों को दवाई भेज रहे हैं, सब लोग अपना खाएँ, साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें और मास्क लगाएं। घर में भी रहें अगर असंक्रमित हैं तो, अगर उसमें से सभी लोग संक्रमित हैं तो ठीक है, अगर उसमें से कुछ लोग संक्रमित नहीं हैं तो घर में भी मास्क लगाएं और सफाई का ध्यान रखें, अलग अपने को अलग आइसोलेट करके रखें।